मुझे इस मर्म का पता तब चला जब वो प्रयाग में स्नान कर रहे थे। प्रयाग में स्नान कर रहे थे? बोले हाँ, राम जी प्रयाग में गंगा जी में खड़े और ब्राह्मण संकल्प कर रहे थे। और हे भरत, ब्राह्मणों ने संकल्प किया और संकल्प में जैसे तुम्हारा नाम सुनाई पड़ा, तुम्हारे प्रेम में मगन होकर के राम जी धारा में गिर पड़े। न राम से भरत खंडे, जब संकल्प होता है ना तो उसमें भरत जी का नाम आता है। वनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, भरत वियोग नहीं उनसे सहा गया। आओ एक भाव तुम्हें भैरव सुनावे आज, सुकवि महाकवि के काव्य में कहा गया। राघव थे नहाने को त्रिवेणी में खड़े, उनके समक्ष ज्यों ही संकल्प पढ़ा गया। सुनते ही भरत खंड आई सुधि भरत की, और धारा में गिर पड़े न राम से राम। भरत जी का नाम जैसे ही कान में पड़ा, राम जी प्रेम विह्वल हो गए। सुनते ही भरत खंड, संकल्प होता है ना भरत खंडे, भरत नाम आता है ना, तो सुनते ही भरत खंड आई सुधि भरत की, भरत की याद आ गई। और राम ऐसे प्रेम में विह्वल हुए कि धारा में गिर पड़े, राम से रहा गया। हे भरत, मेरे सामने की बात है, प्रत्यक्ष की बात है, मेरे सामने राम धारा में गिर पड़े, हमने दौड़ के उनको संभाला, बहुत प्रेम करते हैं। हे भरत, मेरा मत है कि तुम कैकेयी नंदन नहीं हो, तुम दशरथ नंदन नहीं हो। मुझे तो लगता है भरत कि साक्षात राम का प्रेम ही तुम्हारे रूप में प्रकट हो गया। मुझे ऐसा लगता है जैसे राम का प्रेम ही मूर्तिमंत होकर के मेरे सामने उपस्थित हो। तुम तो भरत मोर मत हो, धरे देह जन राम सने हो। तुम तो भरत मोर मत हो, धरे देह जन राम सने हो। धरे देह जन राम सने हो, धरे देह जन राम।